नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। R9 टीवी देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वैसे तो सियासत नेता करते ही हैं, कोई मौका छोड़ते नहीं, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि नेताओं के लिए सिर्फ वोट ही सब कुछ होता है और कुछ नहीं इसके अलावा। राजस्थान के कोटा में एक एक कर मासूम दम तोड़ गए, किसी ने भी मासूमों की मौत को गंभीरता से लिया नहीं। अब सियासी बयान में राजस्थान के कोटा में हुई बच्चों की मौत पर उत्तर प्रदेश से भी सवाल होने लगा है। यहां बीजेपी BSP कांग्रेस पर हमलावर है, खासकर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। हाल ही में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रही, इस दौरान प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया, साथ ही भगवा पर सियासत हुई। इसके अलावा भी बहुत कुछ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। मासूमों की मौत पर सियासत कैसे हो रही है, कौन अफसोस जता रहा है, कौन सच्चा कौन झूठा, आज इसी पर फेस टू फेस होगा। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो राजस्थान के कोटा में एक अस्पताल में बच्चों की मौत हुई, दो दिन में तकरीबन 9 बच्चे। दिसंबर के महीने की बात करें तो 100 बच्चों ने दम तोड़ दिया, इस पर अब सियासत हो रही है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासतदान ये कह रहे हैं कि अगर वो उत्तर प्रदेश आ सकती हैं तो वो राजस्थान के कोटा भी जा सकती हैं, उन माओं से भी मुलाकात कर सकती हैं। आज इसी पर फेस टू फेस होने वाला है। हमारे साथ दो खास मेहमान जो आज फेस टू फेस में होंगे, उनसे आपका परिचय पहले करा देता हूं। धर्मवीर चौधरी, नेता बसपा, और हरीश भारद्वाज, रहने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। आप एक दूसरे पर आरोप लगाएं, आप तथ्य रखें, तर्कों पर बात करें, उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए सियासत दिखा देते हैं। कोटा में दो दिन में 9 बच्चों की मौत, दिसंबर महीने में 100 बच्चों की मौत, बच्चों की मौत पर होती सियासत, प्रियंका गांधी पर सियासी हमला, राजस्थान सरकार पर बीजेपी का हमला, मायावती ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। जी हां, राजस्थान के कोटा में एक एक कर बच्चे दम तोड़ते गए, दो दिन में 9 बच्चों की मौत हुई। तो कोटा के JK लोन अस्पताल में दिसंबर महीने में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 100 हो गई। अब बच्चों की मौत ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचाया है। कोटा में बच्चों की मौत पर राजनीति शुरू हो रही है। राजस्थान में विपक्ष में बैठी बीजेपी, राजस्थान सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमलावर हैं। तो इधर उत्तर प्रदेश से भी कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर वार होने लगा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने गहलोत सरकार और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। उधर राज्य सरकार ने इन मौतों पर सफाई दी है। कोटा के अस्पताल के लिए सबसे पहले तो बीजेपी अध्यक्ष से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब 2012 में हमारी सरकार थी, हमने 60 बच्चों के बेड बढ़ाए, वहाँ वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी उसकी, बीजेपी की सरकार आने के बाद वो बेड कहाँ गायब हो गए? अगर आज वो बेड यहाँ होते तो एक बेड पे 2 बच्चों को हमको नहीं लेटाना पड़ता। अपराध आप खुद कर रहे हो। आपकी जो सरकार के रहते हुए 2015 में वहाँ के जो प्रशासन ने, मेडिकल प्रशासन ने 8 करोड़ रुपए वहां की सुविधाएं बढ़ाने के मांगे, आपने 1 रुपया नहीं दिया। इधर उत्तर प्रदेश ने कोटा में बच्चों की मौत पर सवाल करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, कोटा में करीब 100 बच्चों की मौत बेहद दुखद और हृदय विदारक है। माताओं की गोद उजड़ना सभ्य समाज, मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं पर थप्पा है। अत्यंत क्षोभ है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा महिला होकर भी माताओं का दुख नहीं समझ पा रहे। श्रीमती वाड्रा अगर यूपी में राजनीतिक नौटंकी करने की बजाय उन गरीब पीड़ित माताओं से जाकर मिलती जिनकी गोद केवल उनकी पार्टी की सरकार की लापरवाही की वजह से सूनी हो गई है, तो उन परिवारों को कुछ सांत्वना मिलती। इनको किसी की न चिंता है न कोई संवेदना, जनसेवा नहीं सिर्फ राजनीति करनी है। वही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया और लिखा, यदि कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के कोटा में जाकर मृतक बच्चों की माओं से नहीं मिलती हैं, तो यहां अभी तक किसी भी मामले में यूपी पीड़ितों के परिवार से मिलना केवल इनका यह राजनीतिक स्वार्थ व कोरी नाटकबाजी ही मानी जाएगी, जिससे यूपी की जनता को सतर्क रहना है। कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह ने क्या कहा? आदरणीय बहन मायावती जी, बाहर निकलिए, सड़क पे आइए, लोगों के घरों में जाइए, उनसे मिलिए, उनके तकलीफों को सुनिए। आपको किसने रोका है कि आप अपने घर के चौधरी से बाहर ना निकलें? सिर्फ चौधरी में बैठ करके ट्वीट कर दें और कभी कभी एक चैनल को बुला करके बाइट दे दें
और बताएंगे कि आप बड़ी पीड़ा में है देश की जनता के तकलीफों को देश करके, ये सब लोग समझते हैं। बहरहाल कोटा में बच्चों की मौत पर अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चला है। 100 बच्चों ने दम तोड़ा है। राजस्थान का स्वास्थ्य महकमा विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में सियासी दौरों पर बीजेपी और बसपा सवाल पूछ रही है, क्या प्रियंका गांधी को राजस्थान में बच्चों की मौत दिखाई नहीं दे रही? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा वो भी देख लीजिए। हमारी तरफ से देखिए जो भी सपोर्ट हो सकता है वो हम देंगे, और जो वहाँ पर थोड़ा सा जो मौतें वगैरह हुई हैं पिछले वर्षों के मुकाबले उसका जो नंबर है वो निश्चित रूप से ज़्यादा है, लेकिन इस विषय के ऊपर सभी संबंधित लोगों को, वहाँ की सरकार को, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय को, अस्पताल के प्रशासन को, और जो भी वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, सब लोगों को उसकी गहराई में जाकर और कोई भी गैप है, कोई भी कमी है, उसको तुरंत पूरा करना चाहिए। सीधे फेस टू फेस में मेहमानों के पास चल रहे हैं जो अपने अपने तर्कों के जरिए अपना अपना पक्ष रखने वाले हैं। कौन सच्चा, कौन झूठा, किसकी संवेदनशीलता जो है वो मर चुकी है, कौन संवेदनशील अपने आप को दिखा रहा है। चर्चा की शुरुआत हरीश भारद्वाज आप करने वाले हैं, क्योंकि ट्वीट के जरिए बोलकर आप पर हमला हो रहा है। सरकार भी आपकी है राजस्थान में, और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आई थी, तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि कोटा जाने में दिक्कत कहां? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि कोटा जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों को, कांग्रेस के मामलों को देखती हैं, और उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी घटना ऐसी घटित होती है जिसमें कि किसी का उत्पीड़न होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, किसी के साथ ऐसी घटना घटित होती है जिसमें कि समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की प्रभारी होने के नाते, कांग्रेस की प्रभारी होने के नाते, उनका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वे हरेक उस व्यक्ति के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करें, हर उस दबे कुचले व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़ें जो कि आज समाज में उपेक्षित है, जिसको कि कहीं ना कहीं पर परेशान किया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है, जहां तक राजस्थान के कोटा बात है, तो राजस्थान के कोटा में जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही हृदय विदारक है, और कहीं ना कहीं पर हमारे सिस्टम में कहीं कुछ खामियां अगर रह गई हैं तो उनको दूर करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वहां के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वैभव गलेरिया जी और 3 सदस्यीय कमेटी मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी वहां पर गठित करके वहां की निगरानी के लिए उनको वहां पर डिप्यूट कर रखा है। वो लोग बड़ी सघनता के साथ उसकी निगरानी कर रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं धर्मवीर चौधरी जी। देखिए, ये एक संवेदनहीनता है, और प्रियंका जी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बार बार 144 लगे होने के बावजूद उस कानून का उल्लंघन कर रही हैं, और वहाँ पर 100 माताओं की गोद सुनी हो गई, मासूम बच्चे दर्दनाक मौत मारे जा रहे हैं, और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा, मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा पूरी तरीके से देश की जनता देख रही है, और देश की जनता ने पिछले 60 वर्षों में इस कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे को देखा है। यह गरीबों के साथ नहीं है, यह खूनी पंजा है। जहां इससे पहले भी अलवर में एक दलित समाज की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, और वहां पर भी कांग्रेस ने किस तरीके से, जब पूरे देश की मीडिया ने उस मुद्दे को उठाया तब जाकर के FIR हुई, तो यह कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे को पूरे देश देख रहा है, और यह इनकी 60 साल की नाकामियां हैं जो आज ये फिरकापरस ताकतें सत्ता में बनी हुई है। हरी जी जवाब दीजिए, जल्दी फटाफट जवाब दीजिए, जितने सवाल दागे जा रहे हैं फटाफट जवाब दीजिए और सवाल कीजिए। धर्मवीर जी के जो प्रश्न थे बड़े भ्रामक करने वाले हैं। देखिए, एक बात बताइए, आज चाल चरित्र और चेहरा तो निश्चित तौर पर बहन जी का बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। वे पिछले कुछ वर्षों से न तो घर से निकली हैं, उन्होंने हमेशा 370 के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उन्होंने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गरीबों के साथ में, मजलूमों के साथ में, उन्होंने हमेशा समाज के साथ में खड़ी रहती हैं, समाज के लोगों का वोट बेका है, और लगातार ये कांग्रेस का फेलियर है। और आज उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी घूम रही हैं, उनको खाट बिछाने की भी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही है। धर्मवीर जी की ये कांग्रेस के लिए, धर्मवीर जी और मायावती जी की परेशानी को मैं समझ सकता हूं, ये कांग्रेस की बहुत शर्मनाक स्थिति है कि आज जो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा पूरा देश देख रहा है, क्यों नहीं प्रियंका गांधी जी आज उन माओं के पास जा रही जिनके बच्चे मासूम मर गए।
हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जा रही आज बताइए, जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ चौधरी साहब, वो वहां पर भी जाएंगी, लेकिन बहन मायावती जाएंगी, कब जाएंगी बहन मायावती? बहन मायावती तो घर से निकली ही नहीं है, इसके लिए है वो बहन मायावती कब निकलेंगी और बता दीजिए बहन। उत्तर प्रदेश की नौटंकी को पूरा देश देख रहा है। धारा 144 लगे होने के बाद आप जो है कानून तोड़ रही है, कांग्रेस के लोग कानून तोड़ रहे हैं, आपका कोई भी संविधानिक अधिकार नहीं बचा है, आप संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने 1952 में जो चुनाव लड़ा उसमें बाबा साहब को आपकी कांग्रेस पार्टी ने एक पूंजीपति को खड़ा करके, क्लोजकर को खड़ा करके बाबा साहब को लोकसभा चाहिए। मुद्दे की बात है, आप दलितों के, ओबीसी के, माइनोरिटीज के अधिकारों के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। आपने ना काका कालेकर आयोग को लागू किया, ना मंडल आयोग को लागू किया, ना मुस्लिमों की सुधली। अगर सबसे ज्यादा अत्याचार इन 60 वर्षों में देश में किसी के ऊपर हुए हैं तो वो माइनोरिटीज के लोगों पर, ओबीसी के लोगों पर और दलितों के ऊपर हुए हैं। आप बोलिए, बोलते रहेंगे तो दूसरे को मौका नहीं देंगे, तो ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। देखिए आप मुझे भी बोलने दीजिए, आपने बड़ी ऐतिहासिक बात। हरीश जी, अपनी बात रखने के लिए आपको उन तर्कों का सहारा लेना पड़ेगा, सच्चाई को से रूबरू कराना पड़ेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। इंतजार मत कीजिए, इंतजार नहीं करना, इंतजार करेंगे इंतजार करते रहेंगे। प्लीज जवाब दीजिए। नकली फूलों के साथ तो आप बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके तरह तरह की बातें बनाकर इस देश के लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश के लोग समझते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की बीट बन चुके हैं। आपको उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, आपको कुछ सोच नहीं रहा है। आप मेरी बात सुनिए, आप सुनने का प्रयास, आप सुनने का भी प्रयास, जो है बीजेपी जो है तो मैं कैसे कांग्रेस और बीजेपी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं, कमी है आप और मायावती पूरी तरीके से कांग्रेस का और बीजेपी का आपस में आप बोलते रहे गठबंधन है और ये चोरी से बहस नहीं हो पाई। इस तरीके से तो मैं बात नहीं बता रहा हूँ आपको, अगर आप दूसरे आप बताइए, आप बोलते रहिए, आप जवाब दीजिए। मैं जवाब क्या दूं आपको, सुनने को तैयार नहीं है आप कुछ भी। मैं आपके माध्यम से हम इसी से पूछना चाहता हूं, तो मैं जवाब क्या दूं बाबा साहब को? अरे हम बाबा साहब को बहुत जानते हैं, आपने बाबा साहब के नाम को फेंका है, रोका कि नहीं रोका, आपने वोटों को फेंका है, आपने अपने घर को भरा है, आपने झोलियां दलितों को फेंक करके रोका या नहीं रोका आप बताइए, और पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसे का आपने काम किया है? नहीं, आप देश के लोगों के, गरीबों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, दलितों के वोटों को उत्तर प्रदेश में एक रास्ता राजस्थान कोटा का भी जाता है। उत्तर प्रदेश में आपकी राजनीति, आप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश एक खाट देश के लोग आप समझ चुके आप लोगों ने हमेशा साथ दिया और आज जब आपकी जमीन संविधान नजर आ रही है और दलित समझ चुका है, दलित समझ चुका है संविधान के रूप में, अब आप धारा 370 इस तरह तो बहस नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई। आप मेरी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं आपकी क्या बात सुनूं? अपनी अपनी बोलते जा रहे हैं। 60 साल से को तैयार नहीं है। धर्मवीर चौधरी, अरे आप धर्मवीर चौधरी, आपको जवाब तो लेना पड़ेगा ना, जवाब लेने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ऐसे कैसे चलेगा? पैसों से गरीबों के वोटों का आपको शर्म नहीं चाहिए? नहीं नहीं, हरी जी पैसों के, हरी जी, हरी जी, प्लीज प्लीज प्लीज, छोटे से छोटे पदों, ठीक है ठीक है, पतियों से भागकर भगवान के, हरी जी, लोगों के साथ आप डरे हुए हो, आप डरे हुए हो, दादा सुबह से भारतीय है, आप दोनों नहीं सुन रहे हैं साथ, डरे हुए हो, हरी जी आप भी नहीं सुन रहे, धर्मवीर जी आप भी सुन, हरी जी मेरी बात का जवाब दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, और आप प्लीज, ये अमित शाह छोड़िए, एक मिनट सर प्लीज, आप लोग कहां जा रहे हैं? बात क्या हो रही थी? बात यह हो रही संवेदनाओं की। देखिए एक नेता, आपने हरीश जी कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी है प्रियंका गांधी,
पार्टी की महासचिव भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव। देखिए मैं आप है ना, आप मानते हैं ना इस बात को? देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये जो तय करना है कहां जाएंगी कब जाएंगी, ये मायावती तय नहीं करेंगी। ये संवेदनहीनता है हरीश जी। चौधरी साहब, ये बहन मायावती, बहन मायावती पिछले एक रास्ता पिछले समय से देश चल रहा है, कोटा का भी जा रहा है, चल रहा है, लेकिन वो कहीं नहीं जाएंगी। घर में बैठ करके एनआई को केवल बाइक दे देने से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश चल रहा है आज, मजदूरों जो है जो बच्चे मर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को कांग्रेस की सरकार से जवाब मांग रहे हैं, मायावती कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है। आप समझिए, ये चार समझिए, गहलोत से जवाब मांग रहे हैं, चार भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांग रहे हैं, मायावती उत्तर बोलती है, सोनिया गांधी से जवाब मांग रहे हैं, देश मिलता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन उनको अगर बहन जी ट्वीट कर देती हैं, उनको ये लोग भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंस चुकी है बहन जी, और बहन जी क्यों फंस चुकी है इसका भी कारण पूरा देश जानता है। और शर्मनाक है ये काला कारनामे का जो पूरा खेल है, जो आनंद के ऊपर जो आनंद चुकी है बहन जी के भाई आनंद के ऊपर जो बहुत सारी रेड चले ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये उधर नहीं खेल है, ये रावण बड़ेरा के ऊपर जो रेड पड़ेगी उसे संभालिए। हरी जी, हरी जी, बड़ेरा देखिए रह गई है, जो बेल बेल आउट है ना माँ बेटे, उनको संभालिए आप। कांग्रेस की अध्यक्षा हम तो संभाल लेंगे, हम तो ये जाने को तैयार हैं, हम तो सरकार को कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं और बोलते रहेंगे। और भाई साहब किसी को जेल में डालना है, उसके लिए मेरा समाज के लोग उससे पीछे हटने वाले नहीं है। ठीक है, ये पार्टी संविधान के बहस को आप लोग कहां ले जा रहे हैं? क्या ये मान लें, क्या क्या दर्शक ये मान लें? आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास तर्क नहीं है, दोनों के पास एक किसी इशू को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं अपने अपने। देखिए सर, प्लीज प्लीज, जो राजस्थान के अंदर घटना हुई है जी। मुख्यमंत्री जी गहन से गहन जांच करा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की बच्चे मरते जा रहे हैं, देखिए चल रही है, यही तो संवाद चौधरी साहब अच्छा है, संवेदनहीनता है। राजस्थान का भाई आप ये बताइए, बहन जी का क्या नहीं रहा है बताइए आप, आपके वहाँ मुख्यमंत्री राजस्थान जाएंगे ये बताइए। आपने जो सौ बच्चे मरे हैं उन माँ अधिकारी को आपने सस्पेंड किया, जिनके बच्चे किसी अधिकारी को आपने सस्पेंड किया, क्या स्वास्थ्य मंत्री से आपने इस्तीफा लिया? मैं पूछना चाहता हूँ, आप कोरी राजनीति करेंगे, आप आपको राजनीति भाजपा के एजेंट बनकर बीजेपी की एक टीम के रूप में मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए देश के लोगों को अल्पसंख्यकों का जो कार्यक्रम तैयार रहेंगे प्रोग्राम, और आपके नेता देश के लोग कर रहे हैं राजनीति करने के लिए ध्यान भटकाने के लिए जाएंगी। अमित शाह के इशारे पर ट्वीट नहीं जाएंगी बहन जी, ट्वीट अमित शाह के इशारे पर कर रही हैं। उनको ये पता है कि इस वक्त क्या मुद्दा देश में ज्वलंत चल रहा है, लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार है वहां पर, ध्यान भटकाने के लिए उनको इशारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है इस तरह के ट्वीट करके। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय प्रियंका गांधी नहीं गई, ठीक है हमसे गलती हो गई, हम जरूर जाएंगे देखने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए बहन मायावती कब जाएंगी राजस्थान, आप बता दीजिए मुझे। आप मुझे बताइए कि आपने सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड किया, आपने स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान का इस्तीफा लिया, आपने कौन सी व्यवस्थाएं करी? नहीं, नहीं। बच्चे मर रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह सौ से ज्यादा की गोद सुनी हो चुकी है, लेकिन राजनीति करनी है। आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी नेता प्रियंका गांधी कल जा रही हैं, लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे, लेकिन किसी क्वेश्चन का जवाब आप नहीं देंगे। यही यही मायावती है, इसीलिए आपको देश की जनता ने खारिज कर दिया, और उत्तर प्रदेश में आपकी सत्ता आने वाली नहीं है, कहने से ट्वीट कर देना, सत्ता आने वाली नहीं है, और वो आपके चेहरे को दलित समाज के लोग, ओबीसी के लोग, समाज के लोग सब समझ चुके हैं, इसीलिए आपको पूरे देश की जनता ने खारिज कर दिया, समझ गया, और आप बीजेपी के मुद्दे पर आपको समझ गया है, 370 के मुद्दे पर समझ गया है, उत्तर प्रदेश में सीएबी के मुद्दे पर समझ गया है, की भी जगह नहीं मिलेगी, जनता पार्टी के भी जगह नहीं मिलेगी, आप भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को मजबूत करने के लिए देश के गरीबों के वोटों को देखने वाली पार्टी है, जो 60 साल के आपके इस तरह तो बात नहीं हो पाई, जो आप पहले रख लेते हैं मैं रख लेता, गरीब विरोधी नीति इस तरह बात करना तो ठीक नहीं है, 60 सालों में मर्यादा आपको के खिलाफ है, जनता ने कार्य कर दिया पहले, जितना बोलना बोल लीजिए। जो ये देखिए जो भारतीय सियासत में ये नौटंकी शब्द का जिक्र होता है, ये आखिर क्यों होता है, ये इसकी जगह है क्या, इसे नौटंकी क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आई, वो जहां जहां गई जिस तरह से गई उस पर चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन ये देश जानना चाहता है, कोटा की जनता और वो माएं जानना चाहती हैं जिनके बच्चे चले गए इस बीच, इसमें सिर्फ प्रियंका गांधी पर वार नहीं हुआ है, सोनिया गांधी भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, उन पर भी हुआ है कि
ऐसे ऐसी चीजों पर संवेदनाएं कहां चली जाती हैं? देखिए, तब से नौटंकी करार दिया जाता है। संवेदनाएं पूरी की पूरी उन लोगों के साथ हैं जिनके के बच्चों की मृत्यु हो रही है। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं पूरी गहन से गहन अपनी पूरी की पूरी समीक्षा कर रहे हैं, निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। जो हेल्थ सेक्रेटरी और ज्वाइंट हेल्थ सेक्रेटरी वहां पर बैठी हुई है, पूछ रहे हैं, और अगर मानते हैं आपको वहां पर प्रियंका जी और सोनिया जी के जाने से ही सारी समस्याएं हल होंगी, तो वो निश्चित तौर पर यात्रा करेंगे और उन लोगों से मिलेंगी। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि जहां पर 100 से ज्यादा बच्चों की, मासूम बच्चों की, जो एक संवेदन हीनता के कारण, सरकार के फेलियर के कारण जो मौतें हुई हैं, ये दुखद है। इस पर आपकी सरकार ने वहां पर सरकारी अफसरों के खिलाफ, उस स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया? देखिए, सुनिए एक बात। दूसरी बात, क्या आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहां पर गए? क्या आपके मुख्यमंत्री उन 100 बच्चों के परिवारों से मिले? बताइए, जवाब दीजिए। हाँ चौधरी साहब, आप सुन लीजिए, 2 मिनट समय रखिए, बीच में मत बोलिएगा। आपने पहला प्रश्न उठाया कि इन लोगों की मृत्यु हुई तो सरकार ने क्या एक्शन लिया। देखिए, इस वक्त चूंकि वहां पर स्थिति ऐसी है कि वहां पर जितने भी लोग हैं, पूरा सरकारी अमला जो स्वास्थ्य विभाग का है वो लगा हुआ है। मैंने पहले भी आपसे कहा नहीं, लगा तो पहले भी है चौधरी साहब, लगा तो पहले भी है, सब रखिए, लगा तो पहले भी था पूरा। लेकिन मौतें क्यों हुई, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मौतें क्यों हुई, ये मौतें क्यों हुई हाँ क्यों हुई, मौतें क्यों हुई, क्यों हुई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसी की तो जांच चल रही है। क्यों हुई? जांच ही करेंगे आप, सुन लीजिए, आप जांच ही करेंगे, फांसी लगाइएगा, बच्चे मरते रहेंगे, फांसी लगाइएगा, बच्चे मरते रहेंगे, किसी को फांसी लगाइएगा। बहन मायावती, बहन मायावती क्या कर रही है, सरकारी तंत्र की बहन मायावती क्या कर रही है, बहन मायावती वहां क्यों नहीं गई, वहां पर किसको सस्पेंड किया, बहन मायावती कौन जिम्मेदार है, स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है, बिल्कुल। क्या ये मौतों का खेल, क्या ये मौतों का खेल वहां की सरकार खेल रही है? अरे गरीबों के साथ में ध्यान भटकाने की राजनीति को हम समझते हैं। देश में आप खड़ी राजनीति जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर जो आप ड्रामा कर रहे हैं, यहाँ पर जो ड्रामे को हम समझते हैं और देश की जनता समझती है, समझो, यहाँ पर बहन मायावती को अनस की मौत याद नहीं आई, बहन मायावती को दारापुरी की जेल याद नहीं आई, बहन मायावती को सुलेमान को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारों पर सरेआम गोलियां पुलिस ने मार दी वो नजर नहीं आया, क्योंकि बहन मायावती जी का जो साम्राज्य है वो अमित शाह जी के चंगुल में है, वो डरी हुई है, वो भयभीत है, वो ट्वीट कर रही है राजस्थान की सरकार के खिलाफ। उनका सालों में उन्होंने जितने अत्याचार करिए कांग्रेस की सरकार में को उत्तर प्रदेश में आपकी जमीन माइनॉरिटीज के लोगों पर पूरी तरीके से, ओबीसी के लोगों पर चेहरा बेनकाब हो चुका है, किसी सरकारों में नहीं हुए, किसी भी तरीके से हमें सत्ता में वापस मिले, भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू और प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी के बहन मायावती की कलाई खुल चुकी है, ये पूरे देश बेनकाब हो गया चेहरा, बेनकाब हो गया चेहरा, चेहरे में कुछ बचा नहीं है आपकी, कौन बेनकाब हुआ ये तो वक्त बताएगा। चलिए, वक्त इजाजत नहीं देता, ये जनता तय कर लेगी, ये दर्शक तय कर लेंगे कि आप आपने और साथ में अल्पसंख्यकों से लेकर के हरी जी बस, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत और उस पर होती सियासत से हमने आपको रूबरू कराई है, इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आई तो उत्तर प्रदेश से सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, कोटा नहीं है क्या? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबरों के लिए।